अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चीज सैंडविचेस। ये सैंडविचेस इतने मजे के और यमी बनते हैं कि आप चिकन के सैंडविचेस को भूल जाएंगे। बहुत कम वक्त में बनाकर आप इनको तैयार कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये आइडियल रेसिपी है। ये इतने मजे के बनते हैं कि आपके बच्चे दोबारा बनाने की फरमाइश जरूर करेंगे। तो चलिए फिर आलू चीज सैंडविचेस की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो सबसे पहले हम सैंडविच के लिए फिलिंग रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमें एक पैन चाहिए और पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर सफेद जीरा और 1/2 टीस्पून ही चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। इन दोनों चीजों को हमने 1 मिनट तक बस हल्का सा सोटे करना है। हल्का सा इनको फ्राई करने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो मेरे पास एक मीडियम साइज का प्याज था जिसको मैंने चॉप कर लिया था। अब प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और इसका कलर हल्का सा पिंक आ जाएगा तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे जी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही जीरा पाउडर। इन मसालों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे कि इनका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास 1/2 कप के बराबर शिमला मिर्च थी जिसको मैंने चॉप कर लिया था। इस पॉइंट पर आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। अब इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बस ये 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो आलू मेरे पास यहाँ 3 मीडियम साइज के थे जिनको मैंने उबाल लिया था और उबालने के बाद मैंने इनको मैश कर लिया था। आलू डालने के साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें व्हाइट पेपर पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास सफेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आलूओं को हम इन सब चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आलू यहाँ पर थोड़े से मोटे मोटे हैं तो इनको आप साथ साथ इस तरीके से स्पैचुला से ही मैश करते रहें। इनको हम अच्छे से मैश करते हुए फ्राई करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने स्पैचुला से ही इनको अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें ताजा ताजा हरा धनिया ऐड करेंगे। मैंने इसमें अच्छी क्वांटिटी में धनिया ऐड किया था क्योंकि इस फिलिंग में धनिया बहुत अच्छा लगता है। धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे जो कि इसको मजीद चटपटा बना देगा। धनिया और लेमन को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमारी फिलिंग अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है और ये बहुत मजे की फिलिंग बनती है। इसको अब हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। अब जनाब, सेकंड स्टेप में हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो यहाँ मैंने व्हाइट ब्रेड के 2 पीसेस ले लिए थे। सबसे पहले हम ब्रेड पर बटर अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल हल्का हल्का सा बटर आपने अप्लाई करना है। ये दोनों ब्रेड की अंदर वाली साइड पर हम बटर लगा रहे हैं तो बिल्कुल हल्का हल्का सा लगा दें। अब ब्रेड के 1 पीस के ऊपर हम केचप अप्लाई करेंगे। इसको हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे सारी ब्रेड के ऊपर और ब्रेड के 2 पीस के ऊपर हम मेयोनेज अप्लाई करेंगे। मेरे बच्चे मेयोनेज शौक से खाते हैं तो मैंने मेयोनेज लगा दिया। आप लोग चाहें तो हरी चटनी भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ब्रेड के 1 पीस के ऊपर हम फिलिंग रखेंगे और इसको हम हाथों से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसको बराबर करते हुए ब्रेड के हर तरफ फैला देंगे। उसके बाद जी यहाँ मेरे पास श्रेडेड चीज है। अब हम इस चीज को आलू के फिलिंग के ऊपर रखेंगे और अच्छे से फैला देंगे। चीज आप कम या ज्यादा अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अब दूसरा सैंडविच उठाकर हम इसके ऊपर रख देंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब सैंडविच के ऊपर वाली साइड पर हम दोबारा से बटर अप्लाई करेंगे। अब इसके ऊपर हम बटर अच्छे से अप्लाई कर देंगे क्योंकि इस साइड को हम पैन के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ मैंने ब्रेड पर अच्छे से बटर लगा दिया है। अब दूसरी तरफ यहाँ मैंने पैन ले लिया है, आप तवा भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम ओनली 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालेंगे। ऑयल को ब्रश से स्प्रेड कर देंगे। ऑयल मैंने इसलिए ऐड किया है कि हमने ब्रेड पर बटर लगाया हुआ है तो बटर जल भी सकता है। सैंडविच पैन में रखने के बाद अब हम ऊपर वाली साइड पर भी बटर अप्लाई कर देंगे और अच्छे से यहाँ भी बटर लगा देंगे। बटर लगाने से सैंडविच बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी बटर ही लगाएं। अगर बटर अवेलेबल नहीं है तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम सैंडविच को फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट लग जाएंगे एक साइड कुक होने में। जैसे ही एक साइड पर कलर आ जाएगा हम इसको पलट देंगे, हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसको अब हम कवर लगाकर छोड़ देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए ताकि चीज हमारी मेल्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद कवर हटा देंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ साइड टर्न करके, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और इस साइड से भी हमारा सैंडविच फ्राई हो चुका है। अब हम सैंडविच को पैन से निकाल लेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं चीज भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसी तरीके से हम बाकी के सैंडविच भी फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ जनाब हम सैंडविच के साथ फ्राइज भी बना रहे हैं क्योंकि अगर सैंडविच के साथ गर्मा गर्म फ्राइज हो जाए तो उसका मजा दुबाला हो जाता है।
बच्चों की तो वैसे भी ये फेवरेट होती है। तो यहाँ तैयार है हमारी फ्राइज भी और सैंडविच भी। तो अब मैं आपको एक सैंडविच काट कर भी दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैंडविच बहुत चीजी बने थे और खाने में इनका टेस्ट क्या कमाल का था। आप लोग जब भी ये बनाएंगे ना तो आप चिकन सैंडविच भूल जाएंगे। ये माशाल्लाह से इतने यमी बनते हैं। इनको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं। आप लोग ये एक बार बना कर तो देखें, इंशाल्लाह फिर वाह वाह हो जाएगी। होपफुली रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।